नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 18 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, मन प्रसन्न रहेगा। किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। रहन सहन कष्टमय हो सकता है। खर्चों की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य विकार रहेंगे। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है। वृषभ राशि के जातक, लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। सेहत का ध्यान रखें। माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आत्मविश्वास में कमी भी आ सकती है। कला एवं संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा। नौकरी में अफसरों से मतभेद भी बढ़ सकते हैं। आय के स्रोत विकसित होंगे। मिथुन राशि, कला या संगीत में रुचि बढ़ सकती है। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी मित्र के सहयोग से आय के साधन बन सकते हैं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। मन में सकारात्मक विचारों का प्रभाव रहेगा। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। वस्त्रों पर खर्च बढ़ सकता है। भाई बहनों का साथ मिलेगा। कर्क राशि, संयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। परिवार में व्यर्थ के क्रोध से बचें। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगी। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु बातचीत में संयत रहें। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कारोबार का विस्तार हो सकता है। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। खर्चों की अधिकता से मन चिंतित हो सकता है। सिंह राशि, आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। आय में कमी एवं खर्च अधिक होने की स्थिति हो सकती है। पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। आत्मसंयत रहें। क्रोध एवं आवेश की अधिकता हो सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। नौकरी में इच्छा विरुद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिलने के आसार है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कन्या राशि, व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचे। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। मन में सकारात्मक विचार का प्रभाव रहेगा। खर्चों की अधिकता होगी। वाहन सुख में वृद्धि होगी। अवसरों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्रा पर जाना भी हो सकता है। शैक्षिक कार्यों में लाभ मिलेगा। तुला राशि, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। धार्मिक संगीत में रुचि हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि हो सकती है। मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे। आत्मसंयत रहें। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें। वृश्चिक राशि, पठन पाठन में रुचि रहेगी। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी पुराने मित्र से पुनः संपर्क भी हो सकता है। वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ेंगे। वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। संचित धन में कमी आ सकती है। पिता से मतभेद भी हो सकते हैं। धनु राशि, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कला या संगीत में रुचि बढ़ सकती है। शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है। क्रोध के अतिरेक से बचें। पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, परंतु किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों से भेंट होगी। मकर राशि, वाणी में मधुरता रहेगी। आत्मविश्वास बहुत रहेगा, परंतु आत्मसंयत रहे। कारोबार पर ध्यान दें। कठिनाइयां आ सकती हैं। परिश्रम की अधिकता रहेगी। मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन की भी संभावना बन रही है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन कष्टमय रहेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। कुंभ राशि, मन में आशा निराशा के भाव हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। मानसिक तनाव रहेगा। आत्मसंयत रहें। संतान को स्वास्थ्य विकार हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आय में वृद्धि होगी। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें।
मीन राशि, शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा, बातचीत में संतुलित रहें, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। मानसिक शांति रहेगी परंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी। वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ेगा। क्रोध के अतिरेक से बचें, खर्चों की अधिकता हो सकती है। सेहत का भी ध्यान रखें, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि, किन तारीखों में जन्मे लोगों को 18 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्य अंक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1 के जातक, यह पल आपके लिए बेहद शुभ है। आपको कोई नया प्रशिक्षण या कक्षा शुरू करने या किसी यात्रा का भी मौका मिल सकता है। आपके जीवन में एक सलाहकार, शायद आपके पिता या पति जैसा कोई व्यक्ति आपको जीवन में सही मार्ग दिखाने में मदद करेगा। शुभ अंक होगा 7, शुभ रंग हरा। अंक 2 के जातक, आज आप चिंतित हो सकते हैं। अपनी प्रेरणा के लिए गंभीरता से सोचना और प्रार्थना करना एक सही विकल्प होगा। जीवन की अनिश्चितताओं से निकलने के लिए कुछ समय निकालें और अपने दिल की सुने। शुभ अंक 5, शुभ रंग सुनहरा। अंक 3, हाल ही में हुई किसी हानि या नुकसान से आप अकेला और खिन्न महसूस कर सकते हैं। नए ज्ञान को हासिल करने के लिए आध्यात्मिकता या अलौकिक शक्ति के बारे में जानें। अधिक जोखिम लेने या मूर्खतापूर्ण कार्यों से बचें। शुभ अंक 17, शुभ रंग पीला। अंक 4 के जातक, आज का यह दिन बातचीत, मैत्री, पत्र व्यवहार और संपर्क से जुड़ा हुआ है। सामाजिक और सामूहिक गतिविधियां आज के दिन का आकर्षण है और इनसे आपको फायदा होगा। शुभ अंक होगा 25, शुभ रंग केसरिया। अंक 5, आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कगार पर हैं जो शायद विवाह से जुड़ा हो सकता है। अनुबंध और बिक्री के कार्यों की समीक्षा करें। शुभ अंक होगा 19, शुभ रंग लाल। अंक 6, आज आप व्यय कम करें और बुरे दिन के लिए कुछ धन बचाएं। अपने काम में आपको तरक्की मिल रही है। वैवाहिक और घरेलू जीवन में सामंजस्य है। शुभ अंक होगा 21, शुभ रंग नारंगी। अंक 7, किसी रिश्ते के खत्म होने से आप अकेला और उदासीन महसूस कर सकते हैं। परिवार और पालतू जानवरों की कंपनी में आराम करें, कड़ी मेहनत करना जारी रखें और दुश्मनों की बातों को नजरअंदाज करें। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग काला। अंक 8, आज काम और मनोरंजन दोनों आपको आकर्षित नहीं करेंगे। नई चिंताएं आपको परेशानी में डाल सकती हैं। किसी यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। आज आप अपने रोजाना के कामों को छोड़कर अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाना चाहते हैं। शुभ अंक होगा 12, शुभ रंग जामुनी। अंक 9, दोस्तों और परिवार के साथ खाली समय का आनंद लें, लेकिन चोट या दुर्घटनाओं से बचने के लिए यात्रा करते समय ध्यान रखें। जोखिम भरे व्यवहार से बचें। रिश्ते के अंत में एक छोटी सी यात्रा हो सकती है। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग बैंगनी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 18, 2023 मंगलवार बैशाख माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:07 पर, सूर्यास्त शाम 6:44 पर, चंद्रोदय 18 अप्रैल सुबह 4:50 पर, चंद्रास्त 18 अप्रैल शाम 5:08 पर। तिथि कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 17 अप्रैल दोपहर 3:46 से 18 अप्रैल दोपहर 1:27 तक। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 18 अप्रैल दोपहर 1:27 से 19 अप्रैल सुबह 11:24 तक। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा 18 अप्रैल रात 2:28 से 19 अप्रैल रात 1:01 तक। रेवती 19 अप्रैल रात 1:01 से 19 अप्रैल रात 11:53 तक। करण वणिज 18 अप्रैल रात 2:35 से 18 अप्रैल दोपहर 1:27 पर। विष्टि 18 अप्रैल दोपहर 1:27 से 19 अप्रैल रात 12:23 पर। शकुनी 19 अप्रैल रात 12:23 से 19 अप्रैल सुबह 11:24 पर। योग इंद्र 17 अप्रैल रात 9:07 से 18 अप्रैल शाम 6:09 पर। वैधृति 18 अप्रैल शाम 6:09 से 19 अप्रैल दोपहर 3:25 पर।
अशुभ काल राहु दोपहर 3:35 से शाम 5:10 तक, यमगण सुबह 9:17 से सुबह 10:51 तक, कुलिक दोपहर 12:26 से दोपहर 2:01 तक, दुर्मुहूर्त सुबह 8:39 से सुबह 9:29 तक और रात 11:17 से रात 12:03 तक। वर्ज्यम दोपहर 12:27 से दोपहर 1:58 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:51 तक, अमृत काल रात 8:30 से रात 10 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से दोपहर 5:19 तक। ये तो थी आज की राशि फल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशि फल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रखें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा चना, गुड़, शेफर और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमान गढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमान गढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभया रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर, यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है।
बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर दो कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं, उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयंभू मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है, घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाएं। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाएं, जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायु पुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष,
अमित विक्रम, उदय धिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा, महाबली बजरंग बली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंग बली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के सातों दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।